पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ मिडिल ईस्ट की जानिब से पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी की तकरीब मनाई गई। तकरीब की सदारत मियां मुनीर हंस सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ मिडिल ईस्ट, जबकि मेहमान खुसूसी मारूफ स्टार प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैडम संगीता थी। इसके अलावा मेहमानों में हमाद नौमान अली और फातिमा छट्टा थी। हमेशा मैं देखती रहती हूँ फेसबुक पे, और इससे मैं पाकिस्तान से इनको फ़ोन भी करती हूँ। माशाल्लाह पाकिस्तान का जहाँ नाम हो वहाँ तो मैं सर के बल पहुँचती हूँ। उन्होंने कल मुझे कहा तो मैंने नहीं बिल्कुल, मैं सबसे पहले आऊँगी। असल में ये जो हमें पाकिस्तान मिला है ना, ये बहुत बड़े एजाज की बात है। कि आप जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं यूरोप वगैरह में, तो आपको एहसास होता है कि अपने मुल्क में आप इज्जत की ज़िंदगी गुजारते हैं। आप कहीं पर भी जाएं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर आपका अपना मुकाम है वो कहीं नहीं हो सकता। और हम आज़ाद हैं अपने मुल्क में, एक पुलिस वाला होता है उसको भी रोक जमा लेते हैं, लेकिन बाहर कहीं नहीं हो सकता। तो मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं आज़ाद मुल्क में आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। मुझे बड़ी ऑफरें थी। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जियालो और रहनुमाओं ने शिरकत की। जिन रहनुमाओं ने शिरकत की उनमें निसार महमूद खटक, मोहम्मद अरशद भट्ट, मलिक खुर्रम शहजाद ओन, चौधरी सज्जाद नज़ीर कारी मियां मनूर, आतिफ अब्बास गिलानी, थामिस जान, इरफान कमर गोंदल, सैयद यासिर अब्बास, फहीम मीतला, मियाँ अबूबकर, बासिल असहाक, हकीम साजिद शामिल थे। इनकी कसी तादाद भी मौजूद थी। सब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। आयशा मुनीर हंस, फातिमा छट्टा, नजमा जिलानी, जमीला अख्तर, नजमा एहसान, रूमा भट्ट, सालिहा महमूद, आतिका खान, साइमा खान, नायमा लाशारी, नजामत के फ़राइज़, इरफान कमर गोंदल ने अंजाम दिए। मुकर्ररीन ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर नजर डाली और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कोशा रहने के अजम का अहाता किया।